नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हेल्थ एंड मोटिवेशन एंड हिंदी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको पेंड्रम प्लस क्रीम के बारे में दोस्तों मैं डिटेल देने वाला हूं। और दोस्तों आज की वीडियो में पेंड्रम प्लस क्रीम है, इसका फुल डिटेल और फुल रिव्यू आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों हमारे चैनल पर कई दर्शकों की यह डिमांड रही है कि आप पेंड्रम प्लस क्रीम के बारे में एक रिव्यू का वीडियो बनाइए और हमारे को इसके बारे में परफेक्ट नॉलेज है वो दीजिए ताकि हम इसका लाभ उठा सके। तो दोस्तों दर्शकों की डिमांड के ऊपर ही मैंने अपने ऑनलाइन रिसर्च और यहाँ के डॉक्टर्स की सलाह से पेंड्रम प्लस क्रीम का एक बहुत ही बढ़िया रिव्यू तैयार किया है और इस रिव्यू को आपको पूरा देखना है। और दोस्तों एक बहुत ही बड़ी जानकारी यानी कि इस क्रीम को फेयरनेस क्रीम के तौर पर यूज लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता, इसके बारे में भी मैं लास्ट में बहुत ही बढ़िया डिटेल देने वाला हूं, जिसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। अब दोस्तों इसकी पेंड्रम प्लस क्रीम की रिव्यू पर आते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह क्रीम है वो 15 ग्राम की आती है और इसकी प्राइस है वो 80 रुपए है। किसी भी मेडिकल स्टोर पर आपको यह क्रीम मिल जाएगी। अगर इसके ट्यूब को देखें तो ट्यूब है वो अन्य मेडिकल क्रीम्स की तरह एल्यूमिनियम का ट्यूब नहीं है, बहुत ही बढ़िया ट्यूब तैयार किया है जिसके कारण लीकेज वगैरह की समस्या है वो देखने को नहीं मिलती। अगर स्मेल की बात करें तो स्मेल भी इसकी बढ़िया है, अन्य मेडिकल क्रीम्स की तरह इसकी स्मेल है वो बुरी भी नहीं है। पैकिंग के मामले में इस पेंड्रम प्लस क्रीम को बढ़िया तरीके से तैयार किया है। अब दोस्तों मैं आपको इस क्रीम के बारे में डिटेल दूंगा। दोस्तों हमारे स्किन के ऊपर खूब सारे इन्फेक्शन वगैरह होते रहते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, फंगल इन्फेक्शन होते हैं, फोड़ी फुंसी होती रहती है, कट्स वगैरह लगते रहते हैं और कभी कभी बर्निंग स्किन की जो समस्या आती है, तो इन सभी समस्याओं को बंद करने के लिए, इन सभी समस्याओं को कम करने के लिए और उसका तत्काल रिजल्ट मिले यानी कि क्रीम अप्लाई करने के बाद तत्काल रिजल्ट मिले, इसके लिए इस स्टेरॉइड क्रीम को मुख्य तौर पर यूज किया जाता है और मेडिकल की सलाह के ऊपर ही इसको यूज करना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर जानकारी देना चाहता हूं कि इस क्रीम के अंदर क्या क्या चीजें मिलाई गई हैं। मुख्य तौर पर इसमें दोस्तों चार तरह की मेडिकेशन को मिलाकर इस क्रीम को बनाया गया है। यह एक दोस्तों एक स्टेरॉइड क्रीम है जिसके अंदर ऑफ्लोक्सासिन, ओर्डिनेजोल, टर्बाइनाफाइन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोबेटासोल प्रोपायोनेट, ये चार तरह की चीजें हैं वो इसके अंदर शामिल की गई हैं। अब मैं दोस्तों आपको मैं इन चारों तरह की चीजों की डिटेल में आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा कि इन चारों तरह की चीजों को यूज क्यों लिया जाता है। जो दोस्तों बोली ऑफ्लोक्सासिन, उस मेडिकेशन को दोस्तों बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए काम में लिया जाता है और ये एंटीबायोटिक के तौर पर काम करता है। जैसे कि त्वचा के संक्रमण वगैरह होते रहते हैं, किसी जगह पर त्वचा में कुछ घाव वगैरह लग जाता है या ऐसे ही किसी जगह पर बैक्टीरिया है वो हमला कर देते हैं जिसके कारण वहां पर हमारी स्किन के ऊपर संक्रमण होने लगता है और यह संक्रमण लगातार बढ़ता जाता है, तो इस संक्रमण को रोकने में इसका उपयोग लिया जाता है। दूसरी जो चीज दोस्तों जो मैंने बोली ओर्डिनेजोल, इसका उपयोग है दोस्तों वह भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करने में किया जाता है। स्किन इन्फेक्शन जैसे कि खुजली, दांत वगैरह होती हैं और उनको खुजली दांत वगैरह की समस्या को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तीसरी चीज है टर्बाइनाफाइन हाइड्रोक्लोराइड, दोस्तों यह खूब सारे इन्फेक्शन जैसे कि नेल इन्फेक्शन, रिंग वॉर्म और एथलीट फुट। दोस्तों नेल इन्फेक्शन में कुछ कुछ लोगों के क्या होता है कि नाखूनों के ऊपर इन्फेक्शन हो जाता है और आसपास में नाखूनों के दोनों साइड गलन की समस्या है वो देखने को मिलती है, और एथलीट फुट है उसमें क्या होता है शूज लंबे टाइम तक यूज करने, नौकरी पेशा के लोग दिन भर में हर टाइम जो शूज पहन के रखते हैं उसके कारण क्या होता है कुछ लोगों की अंगुलियों में और जो अंगूठा है पैर का उसके अंदर इन्फेक्शन होने लगता है, जो कि एक बहुत ही भयानक समस्या है और कॉमन समस्या है, तो उसको ट्रीट करने में भी इस टर्बाइनाफाइन का उपयोग है वो किया जाता है। चौथी चीज है जो क्लोबेटासोल, यह दोस्तों एक तरह का स्टेरॉइड है जो कि स्किन डिसऑर्डर जैसे कि एक्जिमा, सोरोसिस आदि को ट्रीट करने में इसका उपयोग है वो किया जाता है। तो दोस्तों चार तरह की चीजों में आपने जान लिया कि इन इन चीजों का उपयोग है वो क्यों किया जाता है। अब मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि इस क्रीम का वास्तविक उपयोग अच्छी तरीके से किन किन चीजों में करना चाहिए। दोस्तों एक तो सूजन, जैसे कि इसी में अपने किसी भी जगह पर किसी प्रकार की कोई सूजन हो जाती है या स्किन रेड हो जाती है और अगर खुजली, एक्जिमा और एलर्जी की कहीं पर समस्या है तो इस क्रीम को मुख्य तौर पर अप्लाई करने की सलाह दी जाती है। पांच तरह की चीज़ें दोस्तों जो मैंने बोली हैं, सूजन, रेडनेस, खुजली, एक्जिमा और एलर्जी, मुख्य तौर पर इस क्रीम को इन चीज़ों के ऊपर अप्लाई करने यानी कि इन चीज़ों के ऊपर काम करने के लिए यूज में लिया जाता है। अब दोस्तों आपको मैं डिटेल देना चाहूँगा कि इस क्रीम को यूज करने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों ये जो साइड इफेक्ट जो मैं दोस्तों बोलने जा रहा हूँ ये बहुत ही रेयर केसेज में होते हैं, क्योंकि अगर इस क्रीम को प्रॉपर सलाह के ऊपर, डॉक्टर की सलाह के अनुसार अगर इस क्रीम को यूज़ करते हैं तो हम इसका कोई भी साइड इफेक्ट है वो देखने को नहीं मिलेगा। अभी दोस्तों साइड इफेक्ट के ऊपर मैं बात करता हूँ कि साइड इफेक्ट में दोस्तों ये त्वचा में जलन, त्वचा का लाल होना, ड्राइनेस, खुजली होना, इस तरह की समस्या है वो देखने को मिल सकती है अगर आप इस क्रीम को यूज़ करते हो। दोस्तों सिरदर्द की समस्या है वो भी देखने को मिल सकती है। खुजली, ड्राइनेस और त्वचा का लाल होना सबसे मेन साइड इफेक्ट है इस स्टेरॉइड क्रीम के। दोस्तों
अब मैं आपको सलाह दूंगा कि किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है इस क्रीम को यूज करते वक्त। सबसे पहली चीज है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को इसको कभी यूज नहीं करना चाहिए, और इसको लंबे टाइम तक आपको कभी यूज नहीं करना है। 10 से 15 दिन तक आपको यूज इसको कर सकते हैं, क्योंकि यह दोस्तों इंस्टेंट डिजर्ट के लिए क्रीम बनाई गई है। 10 से 15 दिन यूज करने के बाद आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो मिल जाएगा, जो समस्या है वो आपकी मिट जाएगी, और लंबे टाइम तक कभी इसको यूज नहीं करना है। और एक सबसे महत्वपूर्ण सलाह कि बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी इसको यूज ना करें, और कभी भी आप मेडिकल स्टोर पर जाकर सीधा इसको खरीद कर लाते हैं और यूज करना शुरू करते हैं, यह चीज गलत है। डॉक्टर की सलाह के इसको अनुसार ही इसको यूज करना है। अब दोस्तों सबसे मेन बात पर आते हैं कि क्या इसको फेस पर यूज कर सकते हैं, क्या इसको एज ए फेशियल क्रीम या एज ए फेयरनेस क्रीम इसको यूज लिया जा सकता है। तो दोस्तों मैं आपको सबसे बढ़िया जो डिटेल है वो देने जा रहा हूँ कि इसको कभी भी फेशियल क्रीम के तौर पर यूज नहीं करें। और कुछ लोगों के दोस्तों ये समस्या देखने को मिलती है कि नॉर्मल इस क्रीम को अपने चेहरे के ऊपर कुछ भी फोड़ा फुंसी बड़ी हो जाए तो उसके ऊपर अप्लाई करने के लिए इस क्रीम को डॉक्टर के द्वारा सलाह दी जाती है, लेकिन कुछ लोगों ने इस तरह की भ्रामक अफवाह फैलाई है कि इसको स्किन फेयरनेस के तौर पर, स्किन को गोरा करने के लिए, स्किन के ऊपर जो एक्ने और पिंपल्स है इनको कम करने के लिए इसको ट्रीट करने की सलाह है वो की दी जाती है। कई तरह के यूट्यूब वीडियोज़ दोस्तों जहाँ पर गलत जानकारी दी गई है, और उन वीडियोज़ में दिखाया गया है कि इस क्रीम से गोरा हो सकते हैं हम, फेयरनेस आ सकती हैं, मार्क्स, डार्क स्पॉट वगैरह हट सकते हैं, और उन वीडियोज़ का शिकार अगर कुछ लोग इसको एज ए फेयरनेस क्रीम चेहरे के ऊपर लगातार अप्लाई करते हैं, जो कि बहुत ही हार्मफुल है, और आपको ऐसा कभी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसको लगातार अप्लाई करते जाएंगे तो आपका जो स्किन है वो स्टेरॉइड के अनुसार सेट हो जाएगी, और फिर आपको स्किन है वो स्टेरॉइड की डिमांड करेगी, और जब आप इसको छोड़ेंगे तब आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा घटिया हो जाएगी और स्किन इरिटेशन की समस्या है वो हो जाएगी। इसके साथ में स्किन बर्न करने लगेगी और स्किन के ऊपर बहुत सारे एक तो एक्ने और पिंपल्स है वो निकलने लगेंगे, और कभी आप धूप में नहीं जा सकेंगे, क्योंकि जैसे ही डायरेक्ट सनलाइट आपके चेहरे के ऊपर पड़ेगी आपकी फेस है वो जलने लगेगा। तो दोस्तों आपको कभी भी इसको एज ए फेयरनेस क्रीम यूज नहीं करना है। बहुत सारे लाखों लोग हैं वो इसका शिकार हुए हैं गलत तरह की भ्रामक जानकारी का, और उसके कारण उन्होंने अपने चेहरे हैं वो पूरे के पूरे बिगाड़ दिए हैं। तो कभी भी आपको इसको चेहरे के ऊपर अप्लाई नहीं करना है, और अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो दोस्तों आपके चेहरे पर रेडनेस होगी, चेहरा जलेगा, स्किन है वो पतली हो जाएगी। सबसे बड़ी समस्या है कि स्किन पतली, अब शुरुआती दिनों में दोस्तों होता क्या है कि जैसे ही कुछ लोग गलत जानकारी के शिकार होकर इसको यूज करना शुरू करते हैं तो 10 दिन आपके चेहरे में ये फर्क दिखेगी, और जबरदस्त तरीके से आपका चेहरा है वो थोड़ा सा वाइट लगेगा, लेकिन बाद में ये क्रीम इतना खतरनाक साबित होगी कि आपका चेहरा है वो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा, पिंपल्स होंगे, और किसी किसी समस्या ये देखने को भी मिलती है कि चेहरे के ऊपर बाल हैं वो जिस जगह नहीं उगने चाहिए उस जगह भी उग जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह की समस्याएं देखने को मिलेगी अगर आप इसको चेहरे के ऊपर यूज करते हैं, इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि कभी भी एज ए फेयरनेस क्रीम एक्ने पिंपल्स को कम करने के लिए इस क्रीम को चेहरे के ऊपर यूज ना करें। शॉर्ट टाइम के लिए ये क्रीम है, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है। तो दोस्तों अगर आपने यूज की है और आपके समस्या देखने को मिली है तो तत्काल किसी भी स्किन विशेषज्ञ से संपर्क करें, त्वचा विशेषज्ञ से संपर्क करके वो आपकी प्रॉपर इलाज करेगा, और आपकी जो स्टेरॉइड है उसको, स्टेरॉइड क्रीम के जो कारण जो स्टेरॉइड का आदि हो गई है आपकी स्किन, उसको वह ट्रीट कर सकेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको पूरी पूरी जानकारी मिल गई होगी, और बिना डॉक्टर की सलाह के आपको इसको कभी यूज नहीं करना है, और जो मैंने डिटेल दी है क्रीम के बारे में रिव्यू में कि इन इन चीज़ों को लेकर ही इस क्रीम को यूज किया जाता है स्पेशल मेडिकेशन सलाह के ऊपर ही। तो दोस्तों वीडियो में आपको पूरी डिटेल मिल गई होगी, और जो सबसे बड़ी भ्रामक अफवाह फैली हुई है इसको एज ए फेयरनेस क्रीम को तौर पर यूज करने की, उसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल दी है और ना है इसके बारे में क्लियर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा भी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।